सो हे गाइस, यार मेरा नाम है मार्टिन और मेरे चैनल का नाम है बाबू बिस्लेरी। यार मेरे से बहुत सारे प्लेयर्स पूछते भाई तुम तो सीजन 6 सीजन 7 के प्लेयर है, तुम्हारे पास हिप हॉप के 3-3, 4-4 अकाउंट कैसे आए? तो प्लेयर्स मुझे ये बोलते हैं कि भाई तू स्कैमर है। तो भाई मैं तुम सबकी गलत फहमी दूर करने वाला हूँ एंड मैं अपनी स्टोरी बताने वाला हूँ। एंड मैंने अकाउंट बना लिया था सीजन 1 के अंदर ही और भाई फिर मैंने छोड़ दिया। 2 दिन गेम खेला, मुझे मजा नहीं आया यार, गेम में बिल्कुल बेकार सा लगा। फिर मेरे एक जो कट्टर दोस्त नहीं होते क्या, वो भी मेरे साथ साथ खेलना स्टार्ट कर दिए। उसका लेवल हो गया था 35। यार मेरे को भी मन कर रहा था यार, उसका लेवल जब 35 हो गया तो मैंने गेम को वापस इंस्टॉल किया। उस टाइम पे मेरा लेवल था 2। मैंने जब से ही लग गया भाई कम से कम 1-2 महीने तक दिन रात खेलता था। वैसे मेरे को मिलता था सिर्फ 2 घंटे, फोन 2 घंटे मिलता था मेरे भाई को। जो मेरे भाई को मिलता था उसकी पार्टी कभी फोन में ही ले लेता था। तो ऐसे ना कैसे करके मैंने कर लिया भाई 40 लेवल। जो मेरी एक्साइटमेंट एंड खुशी थी ना वो बता नहीं सकता। अब बात रही सीजन 6 होने के बाद भी मेरे पास में वो कैसे आया जो सब जो जानते हैं, उसका नाम है हिप हॉप। तो यार एक मेरा भाई था नंजीत नाम का, तो उसके पास हुआ करती थी सीजन 1 की आईडी और कुछ भी नहीं था उसके अंदर। बैनर अवतार से थोड़े बहुत सीजन 1 से 5 तक खेला, फिर उसने छोड़ दिया। मैंने उससे उसकी आईडी मांग ली तो उसकी आईडी में भाई जितने भी प्लेयर थे सारे सीजन 1 सीजन 2 के थे, पर सारे के सारे ऑफलाइन थे। पर उनका ना राइट में फेसबुक भी लगा हुआ था, तो मैं क्या करता था कि किसी भी बंदे को कैसे ना कैसे करके कॉन्टैक्ट करता था, भाई तुम गेम नहीं खेलते तो यार भाई एक काम करो ना मुझे आईडी दे दो। तो मैं ऐसे आइडिया ले लिया करता था बंदों से, जिससे मेरे पास 3-4 सीजन 1 सीजन 2 के अकाउंट हो गए थे। एक यार मेरे पास जब हो गए थे 3-3, 4-4 हिप हॉप अकाउंट, तो मैं क्या करने लग गया जब मैं जाता था गेम के अंदर ओनली लौंडियाबाजी करने के लिए। यार तुम्हें पता है ना जब इतना सब कुछ है मेरे पास तो लौंडियाबाजी भी मैं करूंगा ही। तो भाई ऐसे ऐसे करते करते लौंडियाबाजी होती रहती थी यार, तो मेरे को एक लौंडिया सच में भाई बहुत ज्यादा पसंद आने लग गई। पर यार वो एक यूट्यूबर थे, उसके 2K सब्सक्राइबर थे उस टाइम में। तुम्हें पता है 2K सब्सक्राइबर होना भी बहुत बड़ी बात होती है। जब से मेरे मन में एक ही जुनून रहा है तब से और अब से कि भाई एक यूट्यूबर बनने का, यही है जो लत जो मेरे को यूट्यूब में खींच लाई। कैसे ना कुछ भी हुआ हो बस एक ही मेरा सपना है कि एक यूट्यूबर बनने का। यार मैंने सीजन 8 के अंदर ही एक यूट्यूब अकाउंट खोल लिया था, मैंने डाली 2-3 वीडियो, फिर मेरा मन निकला अरे यार बस यार इसके अंदर 200-300 व्यू कैसे आ रहे हैं यार, मेरे को कम से कम चाहिए 1 मिलियन व्यू चाहिए। तो तुम्हें पता है यार भी बहुत बड़ी बात होती थी, तो मैंने उसको चैनल को ही छोड़ दिया। पता नहीं कहाँ है वो जीमेल, एक तरह से घूम ही गया। मैं ऐसे करते करते नए नए चैनल बनाने लग गया, धीरे धीरे करके भाई 600 व्यू आने लग गया। उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 600 व्यू एक बहुत बड़ी बात होती है, तो मुझे भी खुशी होने लग गई। और मेरे उस टाइम में चल गए थे 3,500 सब्सक्राइबर, एक मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी यार। एंड फिर मेरे में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आने लगा यार, अब मैं उसके ग्रुप में जा सकता हूँ। पर जैसे ही देखा तो यार उसने मेरे को अनफ्रेंड कर चुकी थी यार भाई, इतनी ज़्यादा वो दिन आज का दिन भाई बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो अभी भी होती ना तो मेरे बहुत ज़्यादा खुशी होती। अब तो मेरे से पूछो के नाम 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 बताऊंगा मैं कमेंट के अंदर। अब यार सबसे मेन बात रही मेरे पास सीजन 1 2 थी, अब वो कहाँ गए? रुको जरा सबर करो। एक बार क्या हुआ, मैं अपने दोस्त के घर पे गया तो उसके पास भाई PS4 था भाई, वो एपेक्स लेजेंड नाम का गेम खेल रहा था। तो मुझे वो गेम बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया एंड मेरी भी जोश चढ़ गया, मुझे भी खेलना एपेक्स लेजेंड। कुछ भी करूंगा PS4 तो लाऊंगा ही, जुनून हो गया था एक PS4 यानी एक यूट्यूबर बनने का एक तरह से हट ही गया था। तो मेरे पास एक फोन था सिर्फ 6,000 रुपये में, मैंने उसको सेल किया था। वैसे वो 8,000 रुपये का फोन था, 6,000 रुपये में बढ़िया सेल कर दिया, मैंने उसको 1 साल दबा के यूज किया था। फिर बात करी मैं और पैसा कहाँ से लाऊंगा, तो मैंने कैसे ना कैसे 2-2, 1.5-1.5 हज़ार दोस्तों से कबाड़ा, वो 30,000 रुपये तक की मैंने इधर उधर से जुगाड़ करके कर लिए। मैं लेके आ गया घर पे PS4 और घर के मेरे से पूछते कि भाई ये कैसे लाया तूने PS4, बता किसी से उधार किया तूने, चोरी किया? तो मैं बोला मैंने चोरी नहीं किया, मैंने अपने YouTube वाली इनकम से लाया। बेटा कैसे, तेरे तो 3,500 सब्सक्राइबर है, 3,500 सब्सक्राइबर में कौन सी इनकम आती है? वो पहला ऐसा दिन था जो मैं अपने बापू से जूत खाया था बहुत गंदे वाले। वो बोले बेटा पैसे कहाँ से आए मेरे पास, मैंने बोल दिया भाई पैसे, तो मेरे बापू को लगा साले इसने ना दोस्तों से उधार मांगे, वो दोस्त आएंगे पैसे नहीं देगा तो दोस्त आएंगे मेरे पास। PS4 ले लिया, फिर भी मेरा एक जुनून था वो क्या, यूट्यूबर बनने का यार। मैं एपेक्स लेजेंड में कुछ दिन गेम खेला यानी कुछ 8-9 महीने दबा के मैंने पूरे के पूरे मजे ले लिए। फिर मेरा दोस्त है योगेश नाम का, वो मेरे पास आया कि यार तू है मैं हूँ दादा है, हम 4-5 दोस्त हुआ करते थे पहले के टाइम पे यार, उन सब ने PC ले लिया। अब फिर मेरा वो उसने बोला कि उन सब ने PC ले लो, तो मेरा भी मन करा साले को इसको बेचूंगा नया PC लेके आऊंगा। तो मैं नया PC लेके आ गया, तुम देख लो यानी 3-4 दिनों के अंदर कैसे ना कैसे करके मैंने उसको बेचा था 18,000 रुपये में। और दोस्तों से कैसे ना कैसे करके जुगाड़ करा, मैं हमेशा से जुगाड़ ही रहा हूँ, जितना हो सके उतना जुगाड़ से ही पैसे लाता हूँ।
फिर तुम्हारे भाई ने ले लिया एक नया पीसी, नया का मतलब सेकंड हैंड पीसी, वैसे मेरे लिए तो वो नया ही था, उसके अंदर थोड़ा बहुत था, मैंने उसको 22,000 रुपये में लिया था एक पीसी, तुम देख सकते हो। एलईडी तो वैसे भी मेरे पास थी, तब तक मेरे सीजन 1 सीजन 2 सारे मेरे पास से जा चुके थे, क्योंकि यार 1 साल हो गए थे, 1 साल में के अंदर कहाँ से आएगा सीजन 1 2। आईडी पासवर्ड उन्होंने ले लिया, वापस वो गेम में आ चुके थे, अब मैं वापस उनसे मांग नहीं सकता था। आगे स्टोरी बताने से पहले मैं भाई तुम्हें बोल देता हूँ, जो 9 साल 10 साल 12 साल के ना तुम जा सकते हो, क्योंकि तुम बिगड़ जाओगे, सारा का सारा इंजाम आएगा मेरे ऊपर। उस टाइम पे नया नया चलन आया था वन टैप का, तो मेरे पास हुआ करता था पीसी, तो मैं साला दिन भर 12-12-13 घंटे हेडशॉट को ट्राई करता था, अबे साला लगता नहीं, और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगता था कि यार भाई क्या हेडशॉट लग ही नहीं रहा था पूरा का पूरा। फिर मेरे दोस्त ने बताया मैक्रो इसको लगा ले, तू हेडशॉट ही हेडशॉट मारेगा। मेरे को लगा मैक्रो लगाऊंगा तो हेडशॉट लगेगा, साला घंटा भाई कोई हेडशॉट नहीं लगा, कि मेरा जो एम था ना तो उसके बॉडी के ऊपर ही चिपक जाता था मैक्रो यूज़ करने के बाद में। तो यार ऐसे वैसे हमारा बढ़िया गेम चलता रहा, तो फिर भाई तुम्हें पता तुम्हारा भाई बचपन से ही लौंडी बाज रहा है, एक और लौंडी आ गई लाइफ में। पर ये जो थी ना ये अभी तक की सबसे फाइनल थी, और आगे की तुम्हें स्टोरी सुननी है एक्साइटिंग लगी तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा भाई, धमाकेदार होने वाला है नेक्स्ट पार्ट।